गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू क्लास? फाइन, ओके. यू आर एंजॉयिंग ऑनलाइन क्लास? यस. आज हम आपको आर्टिकल्स में यूज ऑफ एंड बताएंगे. ओके क्लास, चलिए पढ़ते हैं. साउंड. साउंड जो है इंग्लिश में दो प्रकार का होता है, वॉवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड. वॉवेल साउंड हिंदी में आपका छोटा से आ तक होता है और कॉन्सोनेंट साउंड का से ज्ञा तक होता है. इंग्लिश में आपका ए ई आई ओ यू वॉवेल है. बाकी ये पांचों लेटर को छोड़ करके जितने भी लेटर आए आपके कॉन्सोनेंट हैं. ए ई आई ओ यू कहाँ लगाएंगे? जिस वर्ड का फर्स्ट लेटर में ए ई आई ओ दिख जाए वहां पे एन लगाएंगे. जिस वर्ड के फर्स्ट लेटर में वी सी डी एफ दिख जाए वहां पे ए लगाएंगे. क्लास, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, पहले देख लीजिए. जी यू एन गन. जी क्या है? वर्ड का फर्स्ट लेटर. जी क्या है? कॉन्सोनेंट है. यहाँ पे हिंदी में मैंने लिखा है ग न गन. ग क्या है? कॉन्सोनेंट है. मैंने बताया का से ज्ञा तक कॉन्सोनेंट होता है, आ से यहां तक वॉवेल होता है. यहाँ पे ई डबल जी एग लिखा है. वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है? वॉवेल है. ए भी क्या है? वॉवेल है. तो कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट की सीरीज में, वॉवेल को वॉवेल की सीरीज में रखते हैं. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है क्लास. ए डबल पी एल ई एप्पल. वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल है तो एल लगा दिया है. एग में भी वर्ड का फर्स्ट लेटर ई है तो मैंने एल लगाया है. इसी तरीके इंपॉट में भी आई क्या है? वॉवेल है तो मैंने एल लगाया है. ऑरेंज में ओ क्या है? वॉवेल है तो मैंने एन लगाया है. अम्ब्रेला में भी यू क्या है? वॉवेल एन लगा दिया है. कॉन्सोनेंट देखेंगे क्लास. बुक वर्ड के फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो मैंने ए लगाया है. कैट में भी कॉन्सोनेंट सी है तो ए लगाया है. इसी तरीके डॉग में ए. फैन में भी ए. जी क्या है? कॉन्सोनेंट तो ए लगाया है. चलिए और देखते हैं क्या है सिस्टम. फॉलो साउंड सिस्टम क्लास. अब हम समझेंगे फॉलो साउंड सिस्टम क्या है. नोटिस द स्टार्टिंग साउंड ऑफ अ वर्ड. वी शुड फॉलो साउंड सिस्टम. किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग साउंड में, मतलब किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग साउंड को हम पहले नोटिस करेंगे. मतलब क्या कह रहा है वो वर्ड, वॉवेल कह रहा है या कॉन्सोनेंट कह रहा है. चलिए हम देखते हैं क्लास. जैसे यहाँ पे मैंने यूरोपियन लिखा है. ई क्या है? वॉवेल है. हिंदी में अगर मैंने यहाँ लिखा है तो यह क्या है? कॉन्सोनेंट है. तो मैंने देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के बेस पे लिखा है क्लास. ई मैंने बताया था क्लास कि अगर ई ए ई आई ओ यू आए तो वो वॉवेल होता है, सही है. और जैसे यूनिक मैंने लिखा है, अगर वॉवेल आए तो वहां पे एन लगाते हैं. यूनिक यू है वॉवेल तो मैंने एन लगाया है क्लास, ठीक है. यम भी कॉन्सोनेंट दिख रहा है तो मैंने ए लगा दिया है, ठीक है. बट ये क्या है? रॉन्ग है. अगर मैं हिंदी में इसको क्लास लिखती हूँ तो या क्या दिख रहा है? कॉन्सोनेंट दिख रहा है. मैंने बताया भी कि का से ज्ञा तक आपका कॉन्सोनेंट है, आ से आह तक वॉवेल होता है. क्लास जो साउंड करता है हम उसी के बेस पे लिखते हैं, ए एन उसी के बेस पे लगाते हैं क्लास. तो यूनिक देखो लिखा है मैंने, या क्या है? कॉन्सोनेंट है तो मैंने ए लगा दिया. या यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट था तो मैंने ए लगा दिया. इंग्लिश में देखो फर्स्ट लेटर आपका वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल दिख रहा है, बट जो है हिंदी में कॉन्सोनेंट है. जो आपको साउंड करेगा क्लास वैसे ही मुझे मतलब ए एन यूज लगाने हैं. ओके, एम पी यहाँ पे लिखा, ए आपका वॉवेल है और इंग्लिश में आपका एम क्या है? कॉन्सोनेंट है. मगर मैंने बताया जो साउंड करेगा क्लास उसी के हिसाब से मैं यूज करूंगी. एम एल ले लिखा है. ए क्या है? वॉवेल है. यहाँ पे कॉन्सोनेंट एम है तो मैंने एल लगाया क्लास. जो साउंड करता है, बार बार मैं बता रही हूँ, जो साउंड कर रहा है उसको वैसे ही यूज करें क्लास. मैंने यहाँ आपको बताया ये रॉन्ग है. एक बार इसको इंग्लिश में देखेंगे, हिंदी में देखेंगे. इसीलिए मैंने आपको हिंदी में का से ज्ञा तक आपका कॉन्सोनेंट और आ से यहाँ तक आपका वॉवेल होता है. क्लास समझ में आ गया होगा. आगे देखते हैं. ऐसे शब्द जिनमें एच साइलेंट होता है, मीन्स उनकी ध्वनि छुपी रहती है, तो इसमें शब्द के पहले एन का प्रयोग करते हैं. जैसे कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं? ऑनेस्ट, एच ओ
ऑनेस्ट, एच क्या है, साइलेंट है, एच आपका साइलेंट है, ऑनेस्ट बोलेंगे आ रहा है, आ क्या है, वावेल है, आ से अहां तक वावेल। फिर इसी तरीके आपका क्या होता है, आवर, एच ओ यू आर, एच क्या है, ये भी साइलेंट है, इसको आवर बोलते हैं, हावर नहीं बोलते, आवर बोलते हैं। तो ये क्या है, आवर, आ भी क्या है, आ रहा है, तो क्या है, वावेल है क्लास। इसी तरीके क्लास जहां एच साइलेंट होता है मींस उनकी ध्वनि छुपी रहती है, तो इसमें शब्द के पहले एन का प्रयोग करते हैं। क्लास आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू क्लास।